भारत की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने ट्राई से प्रीपेड टैरिफ की वैलिडिटी समय तय करने के संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार नियामक ट्राई से आग्रह किया है कि जब प्रीपेड टैरिफ वैलिडिटी अवधि तय करने की बात आती है तो ट्राई इस पर हस्तक्षेप न करे और इस मुद्दे को सहनशीलता के तहत रखे, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप अनुचित है और इसके परिणाम स्वरूप मोबाइल टैरिफ संरचनाओं में व्यवधान हो सकता है जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा। बात की जाए रिलायंस जियो की तो रिलायंस जियो ने सुझाव दिया है कि ट्राई एक एडवाइजरी जारी कर सकता है जो टेलीकॉम कंपनियों को एक प्रीपेड प्लान वाउचर, विशेष टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर की पेशकश करने के लिए कहता है, जो जरूरतों को पूरा करने और शिकायतों को दूर करने के लिए 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आती है। वर्तमान समय में 28 दिन की वैलिडिटी लागू है। कंज्यूमर वॉयस अग्रणी मोबाइल कंज्यूमर एसोसिएशन ने कहा है कि यह संदेहपूर्ण था और चाहता था कि ट्राई सभी टैरिफ वैलिडिटी अवधि को 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने के वेरिएंट में मानकीकृत करें और बाजार में अन्य सभी वैलिडिटी पीरियड को अमान्य बनाएं। हालांकि दूरसंचार कंपनियों ने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि यह संभव नहीं होगा और इस तरह का कदम उपभोक्ता व्यवहार के खिलाफ होगा, क्योंकि अधिकांश प्रीपेड यूजर लास्ट डेट के 2 या 3 दिन बाद रिचार्ज करने का विकल्प चुनते हैं। बात की जाए भारतीय एयरटेल की तो भारतीय एयरटेल ने उल्लेख किया कि टैरिफ की वैलिडिटी निर्धारित करने पर सहनशीलता की नीति जारी रहनी चाहिए, क्योंकि टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव जैसे कि वैलिडिटी सर्विस प्रोवाइडर को मजबूर कर देगी। टैरिफ के अन्य महत्वपूर्ण मूल्य पहलुओं को फिर से रिसेट करना होगा और इससे ग्राहक भी परेशान होंगे। जियो ने भी इस नजरिए का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान रिचार्ज की वैलिडिटी को साकार करने का व्यवसायिक कर नहीं होगा और यह उन्हें नई कीमतों के साथ आने के लिए मजबूर करेगा। बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया ने कहा कि मौजूदा 28, 56 और 84 दिन के प्रीपेड स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का बदलाव काफी बड़ा होगा और जब उपभोक्ता जागरूकता, बिलिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन, स्वयं के साथ थर्ड पार्टी के चैनलों में प्रकाशन की बात आती है तो इसके लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी, यानी इसमें काफी कुछ बदलना पड़ेगा। आपको बता दें कि मई में ट्राई ने उल्लेख किया था कि उसके पास यूजर्स की शिकायतें आई हैं, जिन्होंने महसूस किया है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मंथली प्लान के लिए 1 साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ेगा। इस मुद्दे के संबंध में जियो ने नियमित रूप से अपने सबमिशन के हिस्से के रूप में उल्लेख किया कि उसने 30, 60 और 90 दिनों के वैलिडिटी के साथ प्रीपेड टैरिफ लॉन्च किए थे, जो ट्राई को मिलने वाली चिंताओं को दूर करेंगे। बहरहाल भारत की तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड टैरिफ की वैलिडिटी अवधि तय करने से संबंधित मामलों में ट्राई से मांग की है कि वे इन मुद्दों पर हस्तक्षेप न करें। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।